हेलो एवरीवन, आज हम एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक सिंथेसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेस्पिरिन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस में अक्सर पूछा जाता है। आप लास्ट ईयर के पेपर चेक कर सकते हैं। ये टॉपिक आपको 2 मार्क्स में और ज़्यादा टाइप, मतलब लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। और आपको, यदि आपको किसी को भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में जाके आप नोट्स परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरिन रॉ वॉल्फिया स्पेसिस का एक महत्वपूर्ण एक्टिव प्रिंसिपल है। रॉ वॉल्फिया स्पेसिस से लगभग 50 से 10 लगभग, यहाँ पे 100 आएगा, 50 से 100 एल्कोलाइट्स प्राप्त किए जा चुके हैं, जिन्हें रॉ वॉल्फिया एल्कोलाइट्स कहते हैं। इनमें से प्रमुख रेस्पिरिन योहिम वाइन एमालाइन ईटीसी। रेस्पिरिन का उपयोग हाइपरटेंशन, हेडेक, अस्थमा डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में होता है। आप ये इतना इजी है इंट्रोडक्शन, आप इतना तो लिख कर आएंगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेस्पिरिन इज स्टेबलाइज्ड एज फॉलो। अब हम इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देखेंगे। कार्बन 33, हाइड्रोजन 14, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 9। अब प्रेजेंस ऑफ 5-methoxy ग्रुप। जब रेस्पिरिन को HI के साथ गर्म किया जाता है तब मेथिल आयोडाइड के साथ 5 मॉलिक्यूल देता है। जिससे इसमें 5OCH3 ग्रुप की प्रेजेंसी ज्ञात होती है। नेचर ऑफ नाइट्रोजन आइटम। रेस्पिरिन एक दुर्बल क्षार है। इसके दोनों नाइट्रोजन आइटम रिंग में उपस्थित, साथ ही रेस्पिरिन में कोई OH ग्रुप भी नहीं है, परंतु यह एसिटिल व्युत्पन्न बनता है, जिससे इसमें NH ग्रुप की पुष्टि होती है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरिन पढ़ेंगे। इस प्रकार सिद्ध होता है कि रेस्पिरिन रेसिप्रिक एसिड का डाइजेस्टर है। इस आधार पर रेस्पिरिन का स्ट्रक्चर निम्न होगा। अब रेस्पिरिन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये भी बहुत इजी है, आपको ये स्ट्रक्चर बना के आना है। और आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। तो आपका स्ट्रक्चर क्लियर करना, स्ट्रक्चर भी बहुत इजी है। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।